हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं मोदू नॉवेल का पार्ट 32। कल मैं बिजनेस के काम से कनाडा में था। खबर मिलते ही मैं दौड़कर चला आया। रास्ते में हुआइजिन भाई के बारे में पता चला। यांग वो अपनी कोहनियों को घुटनों के ऊपर रखकर अपने चेहरे को घिसने लगा। कुछ टाइम तक गहरी सांस छोड़कर उसने कहा, सॉरी, ये सब इतने अचानक हो गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसके सामने बैठे क्रिमिनल पुलिसमैन ने रूडली पूछा, हमें ये सुनने को मिला कि आप जो सर के बेटे हैं, क्या ये सच है? सब लोग इस बात को घुमा फिरा कर बोलते हैं, पर डायरेक्टली पूछे जाने पर वो हड़बड़ा उठा। ये सब नॉनसेंस है, ये मेरी काबिलियत, मेरी माँ और जो सर का इंसल्ट है। पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से ये सब सुन लिया। आप इस गॉसिप के ऊपर बेस करके ये केस सॉल्व करेंगे? जो हुआइसिन जो बहुत मुश्किल से शांत हुआ था, फिर से वॉल्केनो की तरह फूट पड़ा। मैं तुम पर थूकता हूँ। लुओवेंजो ने एक और क्रिमिनल पुलिसमैन को बुला लिया। इन दोनों को अलग करो और एक एक करके सवाल करो। जुओ हुआइजिन के किडनैप से जिन जिन को फ़ायदा हो सकता है वो सब सस्पेक्ट है, इनके रिलेटिव्स भी। दो पुलिस वाले जो हुआइजिन को ले जाने लगे। उसका गुस्सा और बढ़ गया। क्या मैं सस्पेक्ट हूँ? मास्टर फेई, ये सब क्या हो रहा है? इस कॉप का दिमाग खराब हो गया है, मैं इसके खिलाफ कंप्लेन करूँगा। यांग वो भी गुस्से में था। जो सर मेरी माँ के पुराने दोस्त थे, इसलिए मुझे जॉब मिली थी, पर मैं इस जगह पर अपने काबिलियत से पहुंचा हूँ। ये वो चीज़ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जो हुआइसिन ने कहा, तुम्हारा जवाब नहीं, तुम गंदगी में पैदा हुए हो। यांग वो बोल उठा, मुझे नहीं पता, तुम जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले, चरस पीने वाले, कैरेक्टरलेस लोगों के लिए गंदगी क्या होती है। हु जेन यू समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों को कैसे रोके। फेदू ये सब बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहा था, पर जैसे उसने चाय की कप उठाई, लुओवेंजो ने उसके हाथ पर थप्पड़ लगा दिया। तुम यहाँ चाय पीने आए हो? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम तुम्हारा घर नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम टेम्पोरली हो या तुम्हें सैलरी नहीं मिलती है। तुम यहाँ हो तो तुम्हें ऑर्डर फॉलो करना है। फेदू ने सिटी ब्यूरो के अंदर तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ किया था, और क्राइम सीन्स तक पहुँचने के लिए उसने पता नहीं क्या क्या रोल अपना लिया था, पर वो अपने आप को आउटसाइडर ही समझता था। अचानक थप्पड़ खाकर वो चौंक गया। उसकी पूरी ज़िंदगी में किसी ने उसे किसी काम का ऑर्डर नहीं दिया था। उसे नहीं पता था वो कैसे रिएक्ट करे। क्या करना है मुझे? उसने पूछा। फेदू को टेक्नीशियंस के साथ भेज दिया गया। लुओवेंजो ने उसे वीडियो के हर फ्रेम को एनलार्ज करके इंस्पेक्ट करने के लिए कहा। ताउरन और लैंगचियो को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले थे उनके मुकाबले ये काम बहुत ईजी था, पर फेदू कुछ देर में ही इरीटेट हो गया। अपने दिमाग को यूज़ करके किसी कंक्लूजन में पहुंचना इजी है, पर रिपीटेडली एक जैसे काम करते रहना बोरिंग है। थोड़ी देर में ही फेदू अपनी चेयर से उठकर टहलने लगा। उसने सुना लुओवेंजो फ़ोन पर डायरेक्टर लू की राय मांग रहा था। डायरेक्टर लू भी समझ नहीं पा रहे थे कि उस वीडियो को डिलीट करे या नहीं। फेदू अपनी कमर पर हाथ रखकर जम्हाई लेता है और बोलता है, मैं होता तो डिलीट कर देता। उसकी तरफ नज़र डालकर लुओवेंजो जल्दी फ़ोन कॉल को ख़त्म कर देता है। फेदू चेयर पर बैठकर उसे बुलाता है, यहाँ देखिए। फेदू लेजीली अपने हाथ के ऊपर झुककर वीडियो को उस जगह पर ले जाता है जहाँ किडनैपर ब्रश को खून में डुबोकर लिख रहा था। क्या ये एक क्रिमिनल के लिए रीजनेबल है? मैं होता तो उसके सीने में ही डायरेक्ट छुरी से वो मैसेज लिख देता। लुओवेंजो फेदू के चेयर पर ठेस लगाकर खड़ा था। फेदू की बात सुनकर वो आंखें झुकाकर फेदू की तरफ देखता है। फेदू भी मजे के मूड में आ गया। वैसे अगर कोई सुंदर आदमी मेरी तरफ ऐसे देखता है तो मैं ये सोच लेता हूँ कि वो मुझसे किस चाहता है। लुओवेंजो ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, किडनैपर का एक्शन थोड़ा असंगत है। तो मुझे लगता है कि किडनैपर जो हुआ जिन को तकलीफ नहीं देना चाहता, वो उसके बदले कुछ डिमांड करना चाहता है। जो हुआ जिन को वो जैसे ट्रीट कर रहा है उससे ये लग रहा है कि उसके पास बस यही एक बर्गेनिंग चिप है। वीडियो डिलीट कर देने पर भी शायद वो उसको कुछ नहीं करेगा। ओह शायद, लुओवेंजो फेदू की तरफ देखता है। जब मैं अपनी रिपोर्ट लिखूंगा तब मैं ये लिख दूंगा कि मुझे लगा था किडनैपर विक्टिम को हार्म नहीं करेगा, इसलिए मैं ट्राई करके देख रहा था कि जो हुआइजिन बच पाता है कि नहीं। तुम यही कह रहे थे ना प्रेसिडेंट फेई? फेदू के जवाब देने से पहले उसने फिर से कहा, मेरे अच्छे जूनियर, ये कोई पहले सुलझाने का गेम नहीं है। प्रॉपर ग्राउंड्स और रीजंस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी हम करते हैं उसे लीगल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना पड़ता है। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो तुम कभी भी अपने सीजीएम को पूछ सकते हो। मैंने तुम्हें वीडियो से किडनैपर का लोकेशन ढूंढने के लिए कहा था,
उसके साथ माइंड गेम खेलने के लिए नहीं। फेदु का फेस टेबल के ऊपर गिरने वाला था। लुओवेंजो सीधा होकर एक नकली हंसी के साथ बोलता है, और तुम्हें गलतफहमी हुई, मैं तुम्हें किस करने का नहीं सोच रहा था। जो मेरा एक्सप्रेशन था उसका मतलब ये था कि मैं तुम्हें मारना चाहता था। अगली बार ऐसा एक्सप्रेशन देखो तो अपना बचाव कर लेना। फेदु प्रोटेस्ट करना चाहता था पर सब चीख उठे, बॉस एक और वीडियो। लुओवेंजो फेदु को छोड़कर हेडफोन्स लगा लेता है। सब सांस रोककर किडनैपर की बातें सुनने के लिए वेट करने लगे। वीडियो में जो हुआ इस दिन जाग गया था। उसका हाल पहले से बुरा था। उसे देखकर लग रहा था कि उसे मारा पीटा गया होगा। खून से उसकी शर्ट गिली थी। फ्रेम के बाहर से वॉइस चेंजर डिवाइस यूज करके किसी ने कहा, पढ़ो। जो हुआ जिन गुस्से में कुछ बोलने लगता है तो लात मारकर उसको चेयर के साथ गिरा दिया जाता है। फिर कैमरा पकड़ा हुआ आदमी उसे मारने लगता है। कैमरा का फोकस इधर उधर घूमता रहा, सिर्फ लात और मुक्का मारने की आवाज़ सुनाई देती रही। साथ में हल्की हल्की दर्द भरी चीख सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में स्क्रीन काला हो गया। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। जो हुआ जिन बोल उठा, मैं पैसे दूंगा, जितने भी पैसे लगे, हैकर्स को बुलाएंगे। वीडियो में फिर से जो हुआ जिन दिखाई दिया। वो फ्लोर पर गिरा हुआ था। पढ़ो इसे, उस आदमी ने कहा। जो हुआ जिन के लिप्स कांप उठे। वो हकलाते हुए फ्रेम के बाहर रखा हुआ प्रॉम्प्टर से पढ़ने लगा, मैं एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें 10 मिनट में जवाब देना है। जो ग्लैन के होम पेज पर वो जवाब पोस्ट कर देना। मुझे जवाब पता है, अगर झूठ कहा तो हम प्रेसिडेंट जो की बॉडी का एक पार्ट काट देंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या जो जुनमाओ एक हिपोक्रेट था जो अपने नाजायज बेटे को अपने पास रखकर उसे हेयर बनाने के लिए रेडी कर रहा था? क्या ये पैटर्निटी रिपोर्ट रियल है? तुमने मुझसे चुराया है? किडनैपर ने उसके सर के पीछे लात मारा तो वो बेहोश हो गया। स्क्रीन में एक रिंकल पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट दिखाई दिया। 10 मिनट, किडनैपर ने कहा, और वो वीडियो ख़त्म हो गया। कुछ पल के लिए जो हाउस में सन्नाटा छा गया। सब लोग काउंटडाउन देखते रहे, पर तब तक वर्चुअल वर्ल्ड में तहलका मच गया था। सब लोग उसी बारे में बात करने लगे। जो हाउस में सबका फ़ोन बजने लगा। लुओवेंजो ने जैसे ही डायरेक्टर लू का कॉल रिसीव किया, वो बोलने लगे, अभी तक तुम्हें कुछ सुराग नहीं मिला, कुछ भी करो पर उसे ढूंढो। लुओवेंजो के कुछ बोलने से पहले जो हुआ सिन ने हु जेनू का कॉलर पकड़ लिया। जवाब दे दीजिए हु भाई, अभी हाँ लिखकर एक नोटिस पोस्ट कर दीजिए, वो पैटर्निटी टेस्ट सच है, ये यंग ही वो नाजायज बेटा है। हु जेनू उसे शांत करने की कोशिश करता रहा। यांगो का चेहरा पेपर से भी ज़्यादा सफ़ेद हो गया था। भैया ने सीक्रेटली पैटर्निटी टेस्ट कराया था, उन्होंने मुझे दिखाया भी था, ये गलत नहीं हो सकता। शायद उनको वो रिपोर्ट भैया के बैग में मिला। डैड तो मर गए हैं ना, उनके रेपुटेशन से ज़्यादा कीमती भैया की ज़िंदगी है। लुओवेंजो का एक कान इस चीख को सुनता रहा और अपने दूसरे कान से वो डायरेक्टर लू का वार्निंग सुन रहा था, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हें शो पॉज करना पड़ेगा। जो हुआ इस दिन पुलिस को धक्का देकर अपना टैबलेट छीनने जाता है, आप नहीं करोगे तो मैं खुद कर दूंगा। सब उसे रोकने लगे पर फेदू चुपचाप देखता रहा। उसे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कहा, जो दादा मेरा मानो तो आप ये मत करो, अगर आप ये करने लगोगे तो बाद में ये सवाल इतने सिंपल नहीं रहेंगे। तो फिर मैं क्या करूँ? उसे इग्नोर करते हुए फेदू ने कहा, जब जो हुआ जिन को लात मार के गिराया गया उस आवाज़ को आइसोलेट कीजिए, मुझे लगता है फ्लोर हॉलो था। लुओवेंजो ने तुरंत फ़ोन कट कर दिया और वीडियो को फिर से चलाने के लिए कहा। फेदू ने कहा, कैमरा हमेशा विक्टिम के पास था, फुल बॉडी शॉट तो दिखा ही नहीं, मुझे लगता है वहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है और कैमरा को भी ज़्यादा इधर उधर घुमाया नहीं गया। लुओवेंजो ने पूछा, कैमरा साइड बाई साइड कितना घुमा होगा बता सकते हैं? एक टेक्नीशियन ने जवाब दिया, 1.5 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 180 सेंटीमीटर। जब जो हुआ इस दिन चेयर के साथ गिरा तो एक इको सुनाई दिया। शायद वो कोई ट्रेलर और कोई ट्रक हो, फेदू ने हाथ फैलाया। लुओवेंजो ने ताउरन को कॉल लगाया, वो लोग शायद किसी ट्रक या ट्रेलर पर है जो चल रही है और फिर रुक रही है, कोई भी ऐसा ट्रक दिखे तो सर्च करो। ताउरन का फ़ोन ना काट कर ही लुओवेंजो ने लैंगचाओ को फ़ोन लगाया। उसने कहा, हैंग द कॉन्ग्लोमेरेट की पोजीशन जो क्लैन के आसपास है, इन दो कंपनी में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती है, कल रात को उन लोगों ने कुछ नहीं किया था पर आज सुबह होते ही वो फॉरेन मार्केट में काम पे लग गए हैं। इधर हो जिन वो चीख उठा, क्या कर रहे हो?
उसके एक पल की बेख्याली का फ़ायदा उठाकर जो हुआसिन ने उसका फ़ोन छीन लिया। फ़ोन अनलॉक्ड था। जो हुआसिन को पकड़ने से पहले ही उसने हेज एन यू के अकाउंट से एक हाँ पोस्ट कर दिया था। ट्रक, तावरन ने कहा, लाओ लुओ बैसा रिवर पार ना करके कोई गाड़ी आउटर रिंग रोड में आएगी भी कैसे? आने वाली गाड़ियों को चेक करे या जाने वाली? क्या वो अभी भी यान सिटी में है? लैंग चियाओ ने दूसरे फ़ोन में कहा, बॉस क्या मैं उसे सिटी बुरो ले आऊँ या फिर उनके इनकमिंग और आउटगोइंग ईमेल्स को चेक करूँ? हु जेनू बोल उठा, ये तुमने क्या कर दिया? यांगबो का चेहरा लाल हो गया था। मैं तुम पर मानहानि का केस करूँगा। जो हुआ इस इनका ड्रग एडिक्ट चेहरा शायद पहली बार कुछ ऐसा दिखा जिससे वो एक इंसान जैसा लगने लगा। हु भाई, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है। मुझे इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है। मुझे ये सब नहीं पता है। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे भैया के सिवाय मेरा और कोई नहीं है। हु जेन्यू ने अपनी नज़रें हटा ली। एक मॉकिंग स्माइल के साथ जो हुआसिन ने फिर से कहा, ये सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है, पर उस बूढ़े आदमी ने जो किया है वो एक ना एक दिन बाहर आएगा ही ना। आपको क्या लगता है, आपको इटर्नल ग्लोरी मिलेगी? हु जेन्यू स्पीचलेस था। क्या आप 10 मिनट में मेरे भाई को ढूंढ सकते हैं? जो हुआसिन ने सारे पुलिस वालों की तरफ देखा। अगर ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए, मुझे देखकर आप क्या उखाड़ रहे हो? मैं उस आदमी का लीगल बेटा हूँ और एक वारिस भी। मैं मेरे जिंदा भाई के लिए मेरे मरे हुए बाप की इज्जत थोड़ी कम होने दे रहा हूँ, क्या मैं ये नहीं कर सकता? उसकी बात में दम तो था। मेरे भाई की जान बचाने के लिए मैं ये बोल दूंगा कि मेरा बाप एक हरामी था और मैं उस हरामी की औलाद। मेरे पापा की आत्मा को पता होगा कि इन सब के पीछे कौन है, वो मेरे ऊपर नाराज नहीं होंगे। हु जेन्यू के माथे पर पसीना आ गया। तभी दरवाजे से किसी की खांसने की आवाज आई। कोल्ड आवाज में किसी ने कहा, तुम्हारी फैमिली तुम दोनों भाई से ही है, पर ये कंपनी नहीं। तुम्हें पता भी है कितने सारे बिजनेस पार्टनर्स और छोटे शेयर होल्डर्स हैं इसमें? जब वो जिंदा थे तब भी वो खुद ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देते थे। तुम कौन होते हो? हु जेन्यू खड़ा हो गया। जेंग सर। यांगबो भी एक चमचे की तरह उसके पास चला गया। आप आ गए प्रेसिडेंट जेंग? जो हुआसिन उसकी तरफ मॉकिंगली देखता है। जो जुनमा की डेप्यूटी जेंग कैफेंग ऐसे देखने लगा जैसे कि वही वहां का मालिक है। एक नज़र में ही वो समझ गया कि लुओ वेंजो ही लीडर है। अपना हाथ आगे करके उसने कहा, आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी। लुओ वेंजो उसके एटीट्यूड से हैरान था। ओरिजिनली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जो क्लैन के हर मेंबर सस्पेक्ट थे, पर जेंग काइफिंग का बर्ताव ऐसा था जैसे कि जो क्लैन किसी शैतान का सामना कर रही हो और उन लोगों ने पुलिस वालों को भाड़े की गुंडे की तरह हायर किया हो। लुओ वेंजो ने कैजुअली हाथ मिलाया और कहा, ऐसे क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करना हमारे ड्यूटी में ही आता है। ये हमारा काम है, इसमें तकलीफ और तकलीफ नहीं की बात नहीं है। हमारा पहला काम है होस्टेज को बचाना और उसके साथ साथ हम इस केस के सोशल इम्पैक्ट को भी कम करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर फैमिली मेम्बर्स को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। जेंग काइफेंग का एक्सप्रेशन हैवी हो गया। लुओ वेंजो सबको डील कर सकता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन कितनी ऊँची पोजिशन पर है। अपना हाथ वापस लेते हुए वो जो हुआसिन की तरफ घूमता है। स्पेशली यंग मिस्टर जो, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। अगर कोई और रास्ता नहीं होता है तो होस्टेज के सेफ्टी के लिए किडनैपर की बात माननी ही पड़ेगी, पर वो तो आखिरी स्टेप होना चाहिए ना। आपको काउंटडाउन के लास्ट मिनट तक रुकना चाहिए था। जो हुआसिन नाक से आवाज़ निकालता है। और प्रेसिडेंट हु, लुओ वेंजो हंसकर हु जेन्यू की तरफ घूमता है। आपने कहा कि मिस्टर जो ने जल्दबाजी की, पर आप भी तो वेबसाइट में लॉग इन करके बैठे थे। मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। चलिए सब अलग हो जाइए और अपना अपना बयान दे दीजिए। कुछ पुलिसमैन आगे आकर उनको अलग कर देते हैं। जेंग कैफिंग ने कहा, क्या बात है यंग मैन? लुओ वेंजो मुस्कुराता है। तारीफ के लिए थैंक्स, पर मेजर क्रिमिनल केसेस के इन्वेस्टिगेटिंग इंचार्ज के तौर पर मैं दोबारा आपकी सेवा में नहीं आना चाहता हूँ। चलिए इधर जाइए। लुओ वेंजो ने देखा फेदू उसे ही घूर रहा था। उसकी आंखों को देखकर लुओ वेंजो का दिल टाइट हो गया। कुछ काम का है तो बताओ, मेरी खूबसूरती की तारीफ तुम बाद में भी कर सकते हो। फेदू जवाब देता है, मैं ये बोलना चाहता था कि किसने वीडियो पोस्ट की है उसकी एक लीड मिली है। लुओ वेंजो को लगा था शायद उसे किसी साइको के साथ लंबा डील करना पड़ेगा। उसने कहा, इतनी जल्दी? हाँ, आप इस केस से कुछ ग्रैंड एक्सपेक्टेशन मत रखिए। फेदू बोलते बोलते रुक गया और फिर उसने बोला, शिजियोंग। एक नॉर्मल टोन में कहा गया एक नॉर्मल संबोधन को कोई कैसे इतना ज़्यादा सेक्सी कर सकता है। जब इंटरनेट पुलिस सोच रहा था कि उन्हें वो मिल गया है,
किडनैपर निश्चिंत होकर अपना थर्ड वीडियो अपलोड कर देता है। इस बार कैमरा दूर से जो हुआइजिन की फुल बॉडी को कैप्चर कर रही है। वो पूरी जगह ब्लैक प्लास्टिक से कवर की हुई है और देखकर पता चल रहा है कि वो एक ट्रक का ट्रेलर है। फेदो और लुओवेंजो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जब पुलिस को लगा कि वो लोग एक ट्रक के अंदर है, तब किडनैपर ने ऐसा वीडियो दिया। क्या यहाँ कोई लिसनिंग डिवाइस या फिर कोई खबरी है? लुओवेंजो ने धीमी आवाज में कहा, इस घर में जितने भी लोग हैं सबको कंट्रोल में लाओ, हाउसकीपर्स, कुक, गार्डनर और जो कोई भी है। वीडियो में जो हुआ है जिनका हाल और बुरा था, उसके ऊपर पानी डाल दिया गया था जिसकी बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थी। इस टाइम उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, स्क्रीन की तरफ देखकर वो किडनैपर के लिखे हुए शब्द पढ़ देता है। ये अच्छी बात है कि तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। रूल सेम है, टाइम भी 10 मिनट ही है। जो जुन्मा वो इतना पब्लिक स्पिरिटेड क्यों था? उसके 3 पब्लिक वेलफेयर फंड्स क्या जनता की सेवा करने के लिए है या फिर उसके ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए? जो जुन्मा या फिर जो गालोंग क्या सच में सोचता था कि नाम बदलने से वो एक नॉबल मैन बन जाएगा और किसी को उसकी असलियत का पता भी नहीं चलेगा? वीडियो ख़त्म हो गया और काउंटडाउन शुरू हो गया। जो रेजिडेंस में सबको अलग अलग करके नज़रदारी की गई। उधर इंटरनेट पुलिस ने वीडियो ट्रांसमीटर का भेद खोल दिया। लैंग चियाओ जो हेंगड़ा कॉन्ग्लोमरेट पर थी, हथकड़ी निकालकर वहां के इंचार्ज के हाथ में डाल देती है। इंटरनेट की वजह से 10 मिनट में क्या कुछ नहीं हो सकता। बहुत लोग बहुत कुछ बोलने लगे, पर कुछ लोग कसम खाकर बोलने लगे कि जो जुन्माओ का नाम जो गालोंग था। कुछ फोटोग्राफ्स के साथ वो कुछ स्टोरी भी बताने लगे, कैसे वो अपनी फैमिली के साथ रेफ्यूजी बनकर गया था, कैसे वो दूर के रिश्तेदारों की फरमाइशों पर छोटे मोटे काम किया करता था और फिर कैसे उसने अपनी कंपनी खोली थी। पर सबसे अजीब बात यह है कि जो क्लैन के जो एक और फाउंडर थे वो बाद में लापता हो गए। जो हुआ जिनके किडनैपिंग से हटकर सब जो जुन्माओं के बारे में बात करने लगे। किसी ने उसे ह्यूमन ट्रैफिकर भी कहा। कैप्टन लुओ, 10 मिनट पूरे होने वाले हैं। जो क्लैन के ऑफिशियल वेबसाइट बुलेटिन पर जाकर पुलिस की तरफ से एक रिस्पॉन्स कर दो। कह दो कि फिनेंशियल इन्वेस्टिगेटर्स काम पर लग गए हैं, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सबमिट कर सकते हैं। कोई र्यूमर फैलाने की ज़रूरत नहीं है, और उनको सरेंडर करने के लिए भी बोल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बॉस, ये काम नहीं करेगा। जो क्लैन की ऑफिशियल वेबसाइट क्रैश हो गया है। काउंटडाउन कम हो रहा था। लैंगचाओ का कॉल आया। बॉस, हमें वो ईमेल मिल गया जहाँ इन लोगों ने वो प्रमोशन खरीदा था। ये लोग ही उसे अपलोड कर रहे थे। लुओवेंजो ने कहा, अब ये मत बोलना कि उनको नहीं पता है कि किडनैपर कौन है। उन लोगों ने ऐसा ही कहा, लैंगचाओ जल्दी बोल उठी। आज सुबह इनको एक मिस्टीरियस ईमेल मिली थी जिसमें कुछ ब्लरी फोटोग्राफ्स अटैच्ड थे। तो उन लोगों ने सिर्फ अपनी प्रॉफिट के लिए ये सब पोस्ट किया है? तो फिर वो लोग इतने सारे एंटी ट्रैफिकिंग मेजर्स क्यों ले रहे थे? इसके रिलेटेड सबको पकड़ो और पता करो कि किसने वो ईमेल भेजा था। लुओवेंजो काउंटडाउन की तरफ देखता है। जो क्लैन का ऑफिशियल वेबसाइट अभी भी काम नहीं कर रहा है। बॉस देखिए, गैंगबो के ड्राइवर के पास हमें ये मिला है। लुओवेंजो ने हाथ बढ़ाया। वो एक सेल फोन था। वो ड्राइवर एक नए वीवो अकाउंट में लॉग्ड इन था। उस अकाउंट का लास्ट स्टेटस अपडेट था। पुलिस को पता चल गया है कि मिट ट्रक में है। काउंटडाउन जीरो हो गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी बताना मत भूलना, और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।